नमस्कार, मैं नीलम सिंह स्वाद खजाना चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्रि व्रत चल रहा है, इसमें बहुत से लोग उपवास रखते हैं, तो सिर्फ इसमें फ्रूट और स्वीट खाते हैं। तो आज मैं बनाऊंगी दलिया का खीर, तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। दलिया का खीर बनाने के लिए हम 1/2 लीटर दूध लिए हैं और 100 ग्राम दलिया है और 100 ग्राम शक्कर है और कुछ ड्राई फ्रूट्स है। हम एक कढ़ाई लेंगे और गैस को ऑन कर देंगे। कढ़ाई गर्म हो गया है, इसमें हम दलिया को डालेंगे और इसे हम थोड़ी देर के लिए रोस्ट कर लेंगे। लगातार चलाते हुए इसे हम रोस्ट कर लेंगे। इसे हम 2 मिनट तक रोस्ट करेंगे। आप देख सकते हैं अब इसका कलर चेंज हो रहा है, तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम दलिया को धो लेंगे। हम धो के अच्छी तरह से छान लेंगे। दोबारा से हम कढ़ाई लेंगे और इसमें जो 1/2 लीटर दूध है इसे हम डाल देंगे। अब दूध में हम ये जो दलिया है इसे हम डाल देंगे। इसे हम मिक्स कर देंगे। दूध और दलिया दोनों ठंडा रहना चाहिए और एक साथ दोनों को हम कढ़ाई में डाल के मिक्स करते हैं। दूध में अब उबाल आ गया है, इसे हम चला चला के चारों तरफ से घुमाएंगे, ये लगे नहीं। दलिया आप देख सकते हैं ये गाढ़ा हो गया है, इसमें थोड़ा सा हम पानी मिला देंगे। जब आप देखेंगे कि गाढ़ा हो गया तो पानी गर्म करके ही डालें, ठंडा नहीं डालें। इसमें हम थोड़ा पानी मिला देंगे और इसे हम मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें शक्कर को डाल देंगे। आप अपने स्वाद अनुसार शक्कर को डाल लेंगे कम या बेसी। इसे हम 2 मिनट और पका लेंगे और गैस की फ्लेम को हम मीडियम में रखेंगे और इसे लगातार चलाएंगे। इसमें हम इलायची पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आएगा, और इसे मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे बबल्स देने लगा और इसका छीटा चारों तरफ अब पड़ने लगा, तो आप समझ जाएंगे कि ये तैयार हो गया है। और चावल का जब हम खीर बनाते हैं तो उसके मुकाबले में ये इसका जो दलिया का खीर है इसे ज़्यादा देर तक पकाना पड़ता है, क्योंकि अगर ये कच्चा रह जाएगा दलिया तो पेट भी खराब कर सकता है। तो देखिए इस तरह से छींटा देने लगा, तो आप समझ जाएंगे कि ये पूरी तरह से तैयार हो गया है। देखिए टम इस तरह से हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब हम दलिया को नीचे उतार दिए हैं और एक बात आपको बताना चाहते हैं कि जब तक ये ठंडा ना हो
तब तक आप इसे हिलाते रहें, हर 2 मिनट पे 4 मिनट पे इसे हिलाते रहें। हिलाते रहने से लम्स नहीं पड़ेगा इसमें, गांठ नहीं होगा और देखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में भी स्वाद लगेगा। दलिया के खीर को हम लगातार चलाते हुए इसे हम ठंडा किए हैं, आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा भी लम्स नहीं पड़ा है और ये जमेगा भी नहीं। आप 3 दिन तक भी रखेंगे तो ये जमेगा नहीं, ऐसे ही रहेगा। हमारा दलिया का खीर बनके तैयार है, इसे हम ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लेंगे। ये बहुत ही अच्छा बना है, आप भी एक बार ट्राई करें और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे कमेंट जरूर करें कि कैसा बना है। आप सभी को नवरात्रि की शुभकामना, हैप्पी नवरात्रि।